वहीं 26 नवंबर से जारी किसान आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। किसानों के केंद्र के साथ 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब भी किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र को साफ शब्दों में बोल दिया है कि किसान आंदोलन का अगर कोई हल नहीं निकला तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसान 6 महीने से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से उनकी हर बातचीत अब तक बेनतीजा ही रही है। ऐसे में कई बार किसानों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कानूनों की वापसी से कम कुछ भी प्रदर्शनकारी किसानों को मंजूर नहीं है। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी तक दे दी है। राकेश टिकैत ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि अब सरकार का इलाज करना पड़ेगा, ये मानने वाली नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने को कहा है ताकि फिर से दिल्ली कूच किया जा सके। टिकैत ने केंद्र सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में करीब 40 किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आंदोलन तेज होने की पूरी आशंका है। 26 जून को ही किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। किसान दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर 26 नवंबर से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जनवरी 2021 को इन तीनों कृषि कानूनों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। साथ ही गतिरोध को दूर करने के लिए 4 सदस्य कमेटी की नियुक्ति भी की गई थी। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है। आपको बता दें कि किसान मोर्चा की अगुवाई में करीब 40 किसान संगठन नए कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 7 महीने पूरे होने पर आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है, 26 जून को ही किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर धरना तेज किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।